नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और आज राजस्थान पुलिस भर्ती की बात करेंगे 2019 में जो निकलने वाली है। 13,000, पहले 13,000 के समथिंग आनी थी, परंतु जो गहलोत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि जो 10,000 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 1,000 SI की भर्ती शामिल होगी, तो उसके लिए पूरा का पूरा विवरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज, पूरी की पूरी जानकारी जो उस भर्ती के लिए। और इसका नोटिफिकेशन बता दूं दोस्तों, जल्द ही जारी होने वाला है, यानी कि इस मई महीने में जारी हो सकता है या जून के फर्स्ट में जारी हो सकता है। तो इस भर्ती के बारे में पूरा का पूरा विवरण जानना आवश्यक है। तो इसमें भर्ती जब निकलती है तो किन किन पदों पर होती है राजस्थान पुलिस में, ये पहले देख लीजिए। कॉन्स्टेबल सामान्य, यानी कि आप सीधे कॉन्स्टेबल, ऑपरेटर, ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है, और एक बैंड, और घुड़सवार, चालक एवं श्वान दल, यानी कि कुत्तों वाला जो होता है, वो जो जांच की जाती है वो एक घुड़सवार और बैंड, जब कोई सेलिब्रिटी या कुछ आता है तो ये बजाते हैं, एक ऑपरेटर जिसमें कुछ योग्यता साइंस हो सकती है 12वीं के साथ, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने आपको बता दिया। इससे आगे है कि ये 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण होनी चाहिए आपके पास, न्यूनतम इसकी योग्यता है 10वीं उत्तीर्ण, तो ये आप याद लीजिए, याद कर लीजिए कि 10वीं उत्तीर्ण चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर की पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये है ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप कॉन्स्टेबल में भी भर देते हैं और ड्राइवर में भी, ऐसे नहीं होता। इसमें सिर्फ केवल एक में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ड्राइवर में करते हो तो आपके पास 1 वर्ष पुराना लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पर जो उम्र सीमा दी गई है, आयु सीमा, ये आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेबल सामान्य, ऑपरेटर, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, सभी आवेदकों के लिए उम्र सीमा दी गई है यहाँ पर। और छूट है, छूट भी यहाँ दी गई है, सब जनरल, OBC, SC, ST, यहाँ पर सबको छूट दिया हुआ है। 31 ईयर्स मेल कैंडिडेट, 29 ईयर्स ये सर्विसमैन के लिए कुछ छूट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेबल चालक के लिए जो ज़्यादा उम्र के होते हैं उनको भी ले लेते हैं, इसलिए इनकी भी छूट ज़्यादा है सामान्य कॉन्स्टेबल से। और आगे बात करते हैं आरक्षण, तो आरक्षण मिलेगा महिलाओं को भी, 30% आरक्षण इसमें मिलता है। और जो अब बात करते हैं जो मिनिमम क्वालिफाई, इसी में लगभग स्टूडेंट रह जाते हैं मिनिमम क्वालिफाई, क्योंकि इस सारा पेपर हार्ड इतना नहीं होता, परंतु तो एक बी पार्ट ऐसा आता है जिसमें अधिकतम स्टूडेंट रह जाते हैं। उसकी तैयारी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे पार्ट बी के लिए स्पेशल, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि 40 या UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 40, SC ST 36, यहाँ पर 30 SC ST, और सप्लान एरिया से जो आते हैं, और यहाँ पर 25% शहरिया जनजाति है जो हमारे, उनके लिए 25% है, जो शहरिया 12 या इसी क्षेत्र में पाई जाती है हाड़ौती में। और आगे है इसका फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट में दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई है पुरुष की 168 सेमी ऊंचाई, और महिला की 152 सेमी, और 12 जिले के शहरिया यहाँ पर थोड़ी अलग दी गई है, आप शहरिया हो तो देख सकते हो। और सीना या बिना फुलाए 81 होना चाहिए, और फुलाकर 86, यानी कि 5 आपको फुलाना है, 5 सेमी, 5 सेमी आपको सीना फुलाना है। और महिलाओं के लिए ये चीज़ें लागू नहीं है सीने वाली, ठीक है। वजन महिलाओं के लिए लागू नहीं है, और 47.5 किलो वजन है महिलाओं के लिए, और वजन केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर दौड़ की बात करते हैं, और भी पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 20 मिनट से कम, यहाँ पर जो 20 मिनट में दौड़ करेगा, 15 नंबर 20 मिनट से, 22 मिनट तक 10 नंबर, 20 22 मिनट से, 25 मिनट तक 5 नंबर, यानी दौड़ का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। और उससे पहले आप बी पार्ट पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है, इसके लिए वीडियो बनाएंगे, उसके पहले ये ज़रूरी है कि बी पार्ट हमारा पास होना चाहिए। महिलाओं के लिए 26 मिनट
26 मिनट से कम में 15, और यहाँ पर अलग अलग दिए महिलाओं के लिए दिया हुआ है, 10 नंबर मिलेंगे, फिर 26 से ज़्यादा या 30 तक होंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 15 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, उसी हिसाब से थोड़ा इनका टाइम ज़्यादा है क्योंकि 25 मिनट कर दिया गया जो वहाँ पर 20 मिनट था। और आगे शहरी जनजाति में ये दिया हुआ है। तो ये दोस्तों है पूरा का पूरा मैंने आपको बताया, और जो पेपर आता है वो आप देख लीजिए कि जो विवेचना है तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग आती है, या मैथ इतनी नहीं आती है, आप मैथ की तैयारी मत कीजिए अगर इतनी ज़्यादा नहीं कीजिए, वैसे तो आप करते होंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान विज्ञान सामाजिक ये पार्ट बड़ा मुश्किल है, 30 नंबर का ये 30 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, ये पार्ट बहुत ही मुश्किल होता है और आपको इसी की ज़्यादा तैयारी करनी है क्योंकि आप आगे सेलेक्ट होने के लिए आपको इसी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और राजस्थान का जीके 60 नंबर का आएगा। और तो दोस्तों आप तैयारी शुरू कर दीजिए, यहाँ पर ये सिलेबस आपको बता दिया, सारी जानकारी आपको बता दी गई, तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप इसी हिसाब से बढ़िया तैयारी करते हैं तो। और हम भी क्लासें लगाना शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।